हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। फ्रेंड्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, और ये लाइफ प्रोसेस का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। जब किसी सजीव के द्वारा अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ प्रक्रियाएँ की जाती हैं, और ये प्रक्रियाओं को करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं करता है। पोषण, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन। नाउ आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि कैसे पादप और जंतु पोषण के माध्यम से उस पदार्थ को, उन यौगिकों को ग्रहण करते हैं, और उन यौगिकों के दहन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मनुष्य के जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर एक पीले रंग का पदार्थ जम जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकंड थिंग, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं, नरेंद्र सर उनका नाम है। उन्होंने हमें इस सीरीज को बनाने के लिए मोटिवेट किया है, और साथ में आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किए हैं, तो वो नोट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी लिंक दिया है, आप उसमें से किसी भी लिंक पर जाकर मुझे अपना फ़ोन नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी नोट्स। और थैंक यू नरेंद्र सर आपके सपोर्ट के लिए। तो आज हम देखना चाहते हैं कि जो भी सजीव होते हैं वो पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पोषण के ऊपर। इसका पहला वीडियो मैंने बना दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि वो चार प्रोसेस कैसे हैं, क्या है, जो भी है वो आप वीडियो वहां से आई लिंक से भी देख सकते हैं, और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो पोषण के बारे में अगर हम देखें तो पोषण दो तरीके से, दो सजीवों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो पादप जगत होता है और एक होता है जंतु जगत। पादप जगत यानी कि होते हैं प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। और जंतु वे होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, वो पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉफ, ठीक है। तो आज जो वीडियो है वो है पादपों के ऊपर कि पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कि पादप अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। पादप अपना भोजन बनाते हैं किसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से। तो ये पत्तियां कैसी होनी चाहिए, हरे कलर की होनी चाहिए, क्योंकि केवल हरी पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं। तो पत्तियों की संरचना कैसी होती है और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संरचना, किसकी संरचना, पत्तियों की संरचना, ठीक है। तो पत्तियों की संरचना कैसी होती है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इस पत्ती के माध्यम से कि ये जो पत्ती होती है, इसके बीच में ये जो आपको डार्क एक स्टेम जैसा दिख रहा है, वो एक तरीके का एक रास्ता है। फ्लोएम और जाइलम ऊतक इसके अंदर पाए जाते हैं, शिराएं जिन्हें कहते हैं, और इसके माध्यम से जो जड़ों से मटीरियल होता है, जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, जल है, वो इस इन शिराओं के माध्यम से, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, मैं आपको क्लोज में दिखाती हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये सारे स्ट्रक्चर के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुँच जाता है। तो जल कैसे पहुँचा, इन शिराओं के माध्यम से। दूसरा क्या होता है, आप इस पत्ती में ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की सतह चिकनी होती है, जबकि पीछे की सतह उतनी चिकनी नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर एक पदार्थ पाया जाता है। तीसरी चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, इस पत्ती के ऊपर वाला कलर होता है वो डार्क ग्रीन होता है, जबकि पीछे वाला कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताती हूँ इसकी संरचना, इसकी संरचना हम कुछ ऐसे बनाएंगे कि ये जो चिकना भाग है वो ऊपर रखा है, और ये जो नीचे रफ सरफेस है उसे हम नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो ये पत्ती को आप ऐसे रखें और दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए कि ये चिकना वाला भाग ऊपर है। ये इसलिए चिकना होता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। ये चिकनी सतह इसलिए होती है ताकि इन शिराओं के माध्यम से जो जल पत्ती में आया है
वो इस चिकनी सतह के कारण यही रुक जाता है पत्ती में। ये मोम जैसी होती है, ये आइसोलेट की तरह काम करती है, और यहाँ से पानी, क्योंकि पत्तियां ऐसे लगी होती हैं तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है और पानी यहाँ से उड़ ना जाए, इसके वजह से ये चिकनी सतह होती है। तो एक मोम के जैसे परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। उसके नीचे कुछ ग्रीन कलर की कोशिकाएं, उसके नीचे कुछ कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकांग होते हैं, जैसे ये होती हैं वायु रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं इनको क्या कहा जाता है? रिक्तिका। ये कोशिकाएं हैं जो किसके नीचे पाई हैं? इनके नीचे। जैसे अगर इस सतह को हटाएंगे तो उसके तुरंत नीचे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में कुछ खाली भाग होता है जिन्हें रिक्तिका कहा जाता है। रिक्तिका के पास में कुछ कोशिकांग होते हैं, इन कोशिकांगों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इन कोशिकांगों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट में कुछ भरा होता है, मटेरियल भरा होता है, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। इसी के कारण पत्तियां हमें कैसी दिखाई देती हैं? हरी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन कोशिकाओं के अंदर। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, जिसके कारण हमें कोशिकाएं या फिर ये सतह कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है। इन कोशिकाओं के नीचे की तरफ हम जब चलते हैं तो वहां पर कुछ और कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर होती हैं। दूर दूर होने के कारण क्या होता है, ऐसी भी बना लीजिए, इनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, ठीक है। ये खाली जगह क्यों रह जाती है, अभी हम देखते हैं। उसके नीचे वापस से एक सतह आती है, उस सतह में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक विशेष आकार की होती हैं, उन्हें कहा जाता है गार्ड कोशिकाएं। क्या कहा जाता है? गार्ड कोशिकाएं, गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल इसलिए कहा जाता है, और ये जो छेद बना दिया, ये जो गार्ड सेल होती है वो इस तरीके से होती है, जैसे कि द्वारपाल बैठे होते हैं ना रास्ते में, गार्ड बैठे होते हैं आपके दरवाजे पे, ठीक है। तो ऐसे दरवाजे पे ये होती है, और यहाँ पर एक रास्ता होता है। वो रास्ता किसके लिए होता है? उसे कहा जाता है स्टोमाटा। उसे कहा जाता है स्टोमाटा। उस स्टोमाटा में रास्ता होता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर सकती है या फिर ऑक्सीजन बाहर निकल सकती है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पत्ती को वापस से एक बार देखें तो इसमें जो नीचे वाला छेद है, नीचे वाली सतह है, उस सतह पर एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये छिद्र हमें दिखाई देंगे। तो ये नीचे की ओर इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ ये स्ट्रक्चर होता है कि सबसे ऊपर रिक्तिकाएं होती हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिनका रंग हरा होता है। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं और होती हैं जिनके बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है, तो जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है, या फिर यूं कहिए कि जो जल जड़ों से पहुँचता है वो जल यहाँ पर स्टोर हो जाता है, यानी कि एक स्टोर रूम की तरह काम करता है। और यहाँ पे कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और उन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। तो ये होती है एक पत्ती की संरचना। आप पत्ती की संरचना या किसी लीफ की संरचना, यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं। सबसे पहले तो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, प्रक्रिया देखते हैं किसकी, भोजन बनाने की या पोषण बनाने की। तो उस प्रक्रिया का एक नाम होता है जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि नीचे स्टोमाटा के छिद्र पाए जाते हैं जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर जाती है। साथ में ये जल ग्रहण करती हैं जड़ों के माध्यम से, ठीक है, जड़ों से, ऊतकों के माध्यम से
जो जल होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, पत्तियों के पास पहुंच जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों इसके पास पहुंच जाती हैं पत्तियों के पास, तो ये इनको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद ये प्रकाश ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। साथ में इनके पास एक चीज अवेलेबल होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया पर याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ग्रहण किया, जल इन्होंने जल जड़ों से पत्तियों तक पहुंचा। प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जब ये अभिक्रिया होती है तो होता ये है कि ये जो H2O है वो टूट जाता है, किसके कारण, प्रकाश के कारण ये टूट जाता है और किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों जुड़ती हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों जुड़ती हैं तो बनता है ग्लूकोज। ये 6 है, ठीक है, तो बनता है ग्लूकोज। अब बचा क्या, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया, तो ये वाला जो ऑक्सीजन बचता है वो यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है किसकी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में जाकर मिलते हैं तो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये प्रक्रिया, कुछ प्रक्रिया, इसका कुछ हिस्सा प्रकाश की उपस्थिति में हो जाता है तथा कुछ हिस्सा अंधेरे में भी संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पादप होते हैं पत्तियों के माध्यम से या क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि उन्हें केवल कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की आवश्यकता होती है। देखिए, जब भी पोषण होता है तो जो बेसिक ग्लूकोज की जरूरत है वो तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और धातुएं होती हैं, जैसे कि फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके अलावा आप कह सकते हैं मैग्नीशियम है, आयरन है, उन सब की भी जरूरत होती है और वो सब हमेशा पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो हम उर्वरक वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके माध्यम से वो उपयोग में लेते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि पेड़ पौधे सारा का सारा ग्लूकोज एक साथ काम में नहीं लेते, वो थोड़ा सा ग्लूकोज बचा कर रख लेते हैं। किस समय के लिए, जबकि सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं हो उस समय वो उसे काम में ले सके। ऐसा हम लोग भी करते हैं, जब हम सुबह खाना खाते हैं तो शाम तक के हम लगातार खाना नहीं खाते हैं, लेकिन शाम तक के लिए हम अपने शरीर में कुछ ना कुछ बचा कर रख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी अपना खाना बचा कर रख लेते हैं और वही वो फ्रूट्स वगैरह के माध्यम से हमें मिल जाया करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज तैयार करते हैं और इसी ग्लूकोज को जंतु लोग, एनिमल्स ग्रुप के लोग इसी ग्लूकोज को ग्रहण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉप्स के अंदर पोषण की प्रक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।